लगेगी आग तो आएंगे कई घर जत्वे। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जब आप आतंक को जन्म दोगे तो तबाही आपके घर में भी होगी। भारत में आतंकवाद फैलाने वाला पाकिस्तान हमेशा पल्ला झाड़ता रहा है कि उसका आतंकियों से कोई लिंक नहीं है, लेकिन अब उसका चेहरा बेनकाब हो गया। पाकिस्तान की आर्मी ने खुद इस बात का खुलासा कर लिया। पाकिस्तान सरकार पूरी दुनिया में इस बात का ढिंढोरा पीटती रहती है कि वह कभी आतंकियों को नहीं पालती, लेकिन अब पाकिस्तान की आर्मी ने ही शहबाज शरीफ सरकार के चेहरे से शराफत का यह नकाब नोच डाला है। आंकड़े बताते हुए सामने आ गए हैं कि पाकिस्तान की हर गली में किस तरह आतंकी घूम रहे हैं और उनसे निपटने के लिए आर्मी को क्या क्या करना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आर्मी ने अपनी तारीफ में कुछ ऐसे आंकड़े गिनवा दिए जो पाकिस्तान सरकार के दावों की धज्जियां उड़ा देने वाले हैं। पाकिस्तानी पोर्टल डॉन के मुताबिक पाक आर्मी के प्रवक्ता ने कहा, पाकिस्तान में इतने आतंकी हैं कि पाकिस्तान की सेना को रोजाना 130 ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं। सिर्फ 8 महीनों में आतंकियों के खिलाफ 32,000 से ज्यादा ऑपरेशन चलाए गए हैं। इनमें 4,021 ऑपरेशन तो पिछले महीने किए गए, जिनमें 90 आतंकी मारे गए। पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि सेना, खुफिया एजेंसी और पुलिस आतंकियों के खिलाफ रोज 130 से ज्यादा ऑपरेशन चला रही है, लेकिन आतंकियों की संख्या कम नहीं हो रही। 8 महीनों में 193 सैनिक शहीद हो गए। जी हाँ, आतंकियों के खिलाफ सेना के ऑपरेशन में कई सैनिक भी शहीद हुए। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि बीते 8 महीनों में 193 सैनिक शहीद हुए, वहीं आतंकियों से लड़ते हुए सैकड़ों सैनिक घायल हुए। बता दें कि पाकिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP और लश्कर ए इस्लाम जमात उल अहरार समेत सैकड़ों आतंकी संगठन हैं। वहीं बलूचिस्तान में विद्रोही पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ हथियार उठा रहे हैं, वहां से भी रोजाना हमले किए जा रहे हैं। सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि जब तक आतंकियों का खात्मा नहीं हो जाता, सेना का यह अभियान जारी रहेगा। पाकिस्तान की गली गली में आतंकी पैदा हो रहे हैं, उनसे निपटना जरूरी होगा। वहीं मामला यही खत्म नहीं होता। पाकिस्तान का सिस्टम और सेना अब इस कदर लाचार हो चुके हैं कि उसे आतंकियों पर काबू करने के लिए मौलवियों का सहारा लेना पड़ रहा है। ये खबर ऐसे वक्त में आई जब पाकिस्तान के आतंकी संगठन बाकायदा पोस्टरों के जरिए सेना और सरकार के खिलाफ अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। TTP द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अगस्त महीने में आतंकियों ने लगभग 292 हमले किए, जिनमें 447 लोगों के मारे जाने और घायल होने की जानकारी आई। लाचार व्यवस्था का रूप इतना डरावना हो सकता है, इसे अगर आप समझना और देखना चाहते हैं तो पाकिस्तान चले जाइए। यहाँ के चप्पे चप्पे पर आपको वो कहानियां मिलेंगी जो ये बताती हैं कि कैसे पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को आतंकवाद ने तहस नहस कर दिया है। दहशतगर्दी का ये दैत्य पाकिस्तान में अब इतना विकराल हो चुका है कि खुलेआम पाकिस्तान की सरकार और सेना को ठेंगा दिखा रहा है। यही वजह है कि इस सिस्टम की लाचारी ने पाकिस्तान की सत्ता और शासन को मौलवियों के कदमों में झुका दिया है। यानी पाकिस्तान अब मौलवियों के सहारे तहरीक ए तालिबान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे आतंकी संगठनों पर लगाम कसना चाहता है। पाकिस्तान के मौलवी इन आतंकियों के खिलाफ फतवा जारी कर रहे हैं। इस फतवे में धार्मिक किताबों का हवाला देकर ये समझने की कोशिश हो रही है कि मस्जिदों में इस बात का प्रसार किया जाए कि इन आतंकियों को किसी भी तरह का सहयोग ना किया जाए। तो यह हाल पाकिस्तान झेल रहा है। अपने ही देश के अंदर कैसे आतंकवादियों ने आतंक फैला रखा है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।